हे क्यूटी पाइज, ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जियांग कुछ सपना देख रही है, उसका कार से एक्सीडेंट हो रहा है और कोई उसे बचाने के लिए आता है। ऐसी बात का पता लगाने के लिए वो अपने दोस्त के पास जाती है और पूछती है कि मेरे कितने एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, मुझे पता करना है। उसके पास तो पूरी लंबी लिस्ट थी। वो एक एक करके बहुत सारे लड़कों से मिलती है, लेकिन उसे नहीं लगता है कि कोई उसके उनमें से काम का हो भी सकता है। रात में जब वो गुयान के पास वापस जाती है तो देखती है कि वो सो रहा है, और वो सोते हुए इतना क्यूट लग रहा था कि बस वो उसे प्यार से उसका फेस टच करके देखते ही रह जाती है। तभी गुयान जग जाता है, उसे छेड़ते हुए कहता है कि लगता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हूँ। जियांग वहाँ से साइड हटते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुम्हें देख रही थी। वो वहाँ से बाहर निकलती है, बाहर रनिंग कर रही होती है तो एक लेडी से मिलती है जिसका मेंटल इशू थोड़ा सा लग रहा था। उसे भूख लगी थी, उसे खाने के लिए कहती है तो जियांग उसे लेकर के जा रही थी। तभी वहाँ पर वह गुयान की आंटी से मिलती है। वो उसे बताती है कि ये तो गुयान की मॉम है जो कि पागल है। दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने लगता है। तभी वहाँ पर गुयान आधार अपनी आंट को धक्का दे देता है। इसके बाद अपनी मॉम को लेकर के जाता है वो। इसके बाद वो उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पे वो लियांग से मिलते हैं। लियांग उसे उनके बचपन की बातें याद दिला रहे थे कि दोनों यहाँ पर कितने मस्ती में खेला करते थे। अब जियांग एक्चुअल में जियांग तो है नहीं, तो वो बेचारे उसके इमोशन को समझ नहीं पाती है। घर जाने के बाद गुयान उसे कॉल करता है कि उसे दो दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो उसके लिए कपड़ों की पैकिंग कर देने। ट्रॉली में सारा सामान रखने के बाद वो ट्रॉली ले करके रोड पर वेट कर रही होती है। गुयान कार से आता है। वहाँ पर कार में वो उसकी सेक्रेटरी को देखती है तो उसे थोड़ा सा होने लगता है जलन। गुयान वहाँ से निकल जाता है। वो सोचती है कि वो एक बुक में है। अब वो बुक में किसी से रियल लाइफ की तरह इमोशनल तो हो नहीं सकती है, वरना तो भाई रियल लाइफ में कांड ही हो जाएगा। घर पे वो यही सब कुछ सोच रही होती है तो गुयान उसे दूसरे नंबर से कॉल करता है। उसे पूछती है कि ये कौन सा नंबर है। गुयान उसे बताता है कि ये वो नंबर है जो बस तुम्हारे और उसके मॉम के पास ही है। इसका एक पर्सनल नंबर है जिसको कि उसने किसी को नहीं दिया हुआ है। अगले दिन जियांग को उसके अंकल एक कार गिफ्ट करते हैं। जैसे ही वो रेड कार में बैठती है ना, उसे फ्लैशबैक में याद आने लगता है कि तो वही कार है जिसमें किसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके अंकल उसे ड्राइव करने के लिए बोलते हैं तब वो मना कर देती है। वहाँ से वो मिलने जाती है गुयान के सेक्रेटरी से। वो उसे बताता है कि गुयान मिसिंग है और उसकी मॉम का डेथ हो गया है। ये सुन करके जियांग काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर गुयान चालक आ गया। उसका सेक्रेटरी बताता है कि वो एक माउंटेन पर अधिकतर जाया करता है। वहाँ पर जियांग को गुयान उसी पर्सनल नंबर से कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसी आइलैंड पर है। जियांग उसे ढूंढते ढूंढते जाती है। वह काफ़ी सैडली एक जगह खड़ा था। वहाँ पर वो शोक जताती है कि उसकी मॉम का डेथ हो गया। फिर दोनों इधर उधर के कुछ बातें कर रहे होते हैं। शाम में चाय वाय पीने के बाद गुयान जियांग को एक जगह लेकर के जाता है जहाँ से लेक दिखाई देता है। वो उसे अपने बचपन की कहानी बता रहा था कि जब वो छोटा था ना तो वो एक लड़की से मिला था और उसी लड़की ने उसे वो बेल दिया था। जियांग को लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, रियल लाइफ में उसने भी एक लड़के को ऐसा ही रिंग बेल दिया था, क्या सच में वही वो लड़का है। वही ये सब कुछ सोच रही होती है। अगले दिन जब वो लोग जगते हैं तो बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए थे जो कि जियांग पर जज करने लगते हैं कि वो बिना शादी के कैसे किसी बिजनेसमैन के साथ रह रही है। वहाँ पर वो सबको हैंडल कर रही होती है। गुयान आता है, उसे वहाँ से लेके जाता है। वो कहता है आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो, चलो पहले घर चलते हैं। घर पर वो सो रही होती है, वो उसे छोड़ करके नीचे जाता है। वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि तुम्हें सच में जियांग से प्यार व्यार हो गया है क्या, तुम अपना मोटिव बोल के कि किस तरीके से तुम्हें जियांग के फैमिली से और बदला लेना था, उन्होंने क्या क्या किया था तुम्हारी फैमिली के साथ फलाना ढिमकाना, और तुम तो मिले भी तो उससे इसी प्लान के तहत है ना कि तुम उसे यूज़ करोगे, अब क्या हो गया उससे प्यार हो गया। गुयान कहता है हाँ मुझे उससे सच में प्यार हो गया है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाती है और इन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। वो गुस्सा करके घर से बाहर निकल जाती है। वो खाली पैर ही निकल गई थी। वहाँ से लियांग क्रॉस कर रहा होता है तो वो जियांग को उठा के लेके जाता है और ये गुयान देखते रह जाता है। वो उसे लेके जाने के बाद शूज देता है पहनने के लिए। बात बात में वो उसे बताता है कि उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और उसने उसे छोड़ दिया है। क्या हम दोनों का कुछ सीन हो सकता है क्या? जियांग गुस्साने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर गुयान आता है और जियांग को वहाँ से लेकर के जाता है। कार में वो उसे समझाने का कोशिश कर रहा था कि हाँ मानता हूँ कि मैं एक प्लान के लिए तुमसे मिला था, बट मुझे एक्चुअल में तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन जियांग उसकी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं थी तो वो उसे किस कर लेता है। गुस्सा तो भले ही थी जियांग, लेकिन गुयान इतना हैंडसम लग रहा था उस समय कि वो उसे पीछे हटा ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे वो मीटिंग फील होने लगता है तो वो कार से नीचे उतरती है।
गोयन देखने के लिए जाता है। उसके बाद उसे वहाँ से ले जा करके जल्दी जल्दी चेकअप कराता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि एक्चुअल में जियांग अब रियल में प्रेग्नेंट हो गई है। वो सोचने लगती है कि एक रात में इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, ओ गॉड, ये बुक वाले में क्या क्या हो रहा है, मेरी लाइफ तो पूरी इधर से उधर होने वाली है। यहाँ पर जियांग गोयन को लेकर के कन्फ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसके ग्रैंडफादर से सजेस्ट करते हैं, जो तुम दिल से फील करती हो बस वही करो। इसके बाद हम लोग कि जियांग प्रेग्नेंट होने के बाद जब अपना वेट लेती है तो उसका वेट पहले से कम होते जा रहा था। वो सोचती है कि प्रेग्नेंट होने के बाद तो आदमी और मोटे होते हैं ना, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर उसे गुयन के सेक्रेटरी का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब जियांग उसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताती है कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा मैटर था, बट गुयन को अब रियल में तुमसे प्यार हो गया है, अब वो तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा है। जब वो घर पर वापस जाती है तो देखती है कि गुयन मस्त अपना ड्रेस वगैरह लेकर के यहीं पर रह रहा है। जियांग उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहता है कि ग्रैंडफादर ने कहा यहाँ रखे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो ड्रेस चेंज करके आती है तो देखती है कि गोयन कोई वीडियो देख रहा है। वो देखती है कि क्या देख रहा है भाई, तो अच्छे पेरेंट कैसे बने, ये वीडियो देख रहा था। दोनों साथ में बैठ के वीडियो देखने लगते हैं। देखते देखते जियांग सो जाती है, उसकी शोल्डर पर ही सर रख के सो जाती है। अगली मॉर्निंग जब उठती है तो गोयन ऑफिस जा चुका था। वहाँ पर उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाया था। जब वो मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर फुल लॉन शादी के प्रपोजल वाला सेटअप था। वहाँ पर गुयन उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जियांग हाँ कह देती है। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। दोनों मिलने जाते हैं, उसके ग्रैंडफादर आईसीयू में थे। अब यहाँ पर उसके अंकल असली चाल चलते हैं, वो झूठ मूठ को ड्रामा कर रहे होते हैं कि काम करो जियांग, तुम ना अपना सिर मेरे नाम कर दो, मैं जब ऑफिस संभाल लूँगा सारा और फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर ठीक हो जाएगा, तुम बड़ी हो जाओगी तब ऑफिस वापस ले लेना। बट यहाँ पर गुयन जियांग को सपोर्ट करता है और कहता है जियांग को सब समझ है, अब वो एडल्ट है और अब वो अपने ग्रैंडफादर के ऑफिस संभाल सकती है और मैं हूँ ना इसे सपोर्ट करने के लिए। वहाँ से उसका अंकल बाहर निकलता है और वो किससे बात कर रहा था पता है, लियांग की गर्लफ्रेंड से, और अब वो विलेन बन चुकी है। दोनों मिल करके जियांग को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे। अगले दिन जियांग को उसके अंकल कॉल करते हैं और कहते हैं कि गोयन तुम्हें धोखा दे रहा है, मैंने यहाँ पर उसे एक लड़की के साथ होटल रूम में जाते हुए देखा है। जियांग उसके साथ जाती है देखने के लिए। वो लोग जैसे ही गोयन के होटल रूम का दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो गोयन किसी अपने लड़के सेक्रेटरी के साथ था। उसके अंकल का तो मुँह ही बन जाता है, वो वहाँ से खिसक लेते हैं। उसके जाते ही वॉशरूम के अंदर से वो लड़की सेक्रेटरी भी निकलती है। वो बताती है कि वो उसके अंकल के कहे हुए बिजनेस इन्वेस्टर से मिलने के लिए गई थी, तो वो लोगों ने उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिलाने की कोशिश की थी, समय पर गोयन ने आकर के बचा लिया था और तुम्हारे अंकल इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। और प्रूफ देने के लिए तो उस लड़की सेक्रेटरी को गोयन ने रखा ही हुआ था। जियांग पूरा इम्प्रेस हो जाती है। दोनों बात करते करते बाहर निकलते हैं। बाहर अचानक से जियांग को चक्कर आने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। गोयन उसे घर लेकर के जाता है, डॉक्टर कुछ टॉनिक देते हैं और कहते हैं कल हॉस्पिटल लेके आने के लिए। थोड़ी देर बाद जियांग को होश आता है, गोयन उसे दवा खिलाता और बोलता है कि कल हमें डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। बट जियांग बोलती है कि नहीं, कल ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वो नहीं जा पाएगी। अगले दिन वो इन्वेस्टर से मिलने के लिए गई थी और साथ ही में उसके अंकल से। उसके अंकल कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर का तो तबीयत ख़राब है, तो क्यों ना मैं ही ऑफिस संभाल लूँ। तभी वहाँ पर जियांग के ग्रैंडफादर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत हुआ, जिस दिन से जियांग को किसी ने किडनैप किया था मैंने बीमार होने का एक्टिंग किया था ताकि मैं पता लगा सकूं, और कल रात जो तुमने किया है ना उसके बाद से तो तुम गए, सारा एक्सप्लेनेशन पुलिस को देना। कल रात जियांग के अंकल ने उसके ग्रैंडफादर को मारने के लिए कुछ आदमी भेजे थे। चलो एक विलेन का तो काम कंप्लीट हुआ, सब कुछ ठीक था। वहां पर अब जियांग गोयन को सच्चाई बताती है, उसे कहती है कि एक्चुअल में वो इस दुनिया की है ही नहीं। गोयन कहता हाँ डाउट तो मुझे भी था, क्योंकि जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे बिल्कुल अपोजिट थी। वो उसे समझाती है कि वो अलग दुनिया में है, वो यहाँ पर कितने दिन है पता नहीं, बट उसे बचे हुए दिन उसके साथ अच्छे से बिताना है। वो उसके साथ मस्त डेट वेट करती है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है ना तो देखते हैं कि जियांग यहाँ पर है नहीं। लियांग उसे आकर के बताता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड उसे लेकर के गई है। हम लोग देखते हैं कि जियांग उसके साथ कार में जा रही होती है और वो बदला लेने के लिए जानबूझ करके कार का स्टीयरिंग इधर उधर कर देती है और इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जियांग को बस इतना याद था कि वो गोयन को कह रही है मुझे याद रखना होगा तो ये बेल रखना। इसके बाद उसे अपनी दुनिया में होश आता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वे कुछ महीने से कोमा में थी। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीतते हैं, वो ठीक हो गई थी। एक दिन उसका ऑफिस से उसे कॉल आता है कि जो उसकी कंपनी है जिसमें वो नॉवेल लिखा करती थी उसे किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया है और उसकी जॉब की पोजिशन फिक्स हो गई, वो बहुत फेमस नॉवेलिस्ट बन गई है, तो आकर के मिल लेने के लिए। जियांग जब ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर वो अपने बुक वाले कैरेक्टर से मिलती है। सबसे पहले ग्रैंडफादर से मिलती है जो कि जियांग के लियांग के एक्स गर्लफ्रेंड के साथ थे। यहाँ पर दोनों रिलेटिव थे। वहाँ पर वो लियांग को भी मिलती है लेकिन उनमें से कोई उन्हें नहीं पहचानता है। तभी वहाँ पर वो लोग
अंदर जाती है तो देखती है कि वो रिंग रखा हुआ है, वो बेल जो कि उसने गोयन को देखा था बुक में। तो वो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं गोयन है। वो बेल ले करके गोयन को ढूंढते हुए बाहर जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली गोयन भी इस दुनिया में आ चुका था। वो उसे किस करता है और इस ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। कीप वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ।